जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बानस फाइनेंस शेयर का जो राइट इशू आया है उस राइट इशू के बारे में। राइट इशू का संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बताऊंगा राइट इशू क्या होता है और आपके पास इस कंपनी के शेयर है, यदि आप शेयर होल्डर्स हैं तो आपको राइट इशू में क्यों अप्लाई करना चाहिए। पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि राइट इशू होता क्या है। देखिए, राइट इशू का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनियां कई तरीके से पैसे को जुटा सकती है। आपको पता है कि आईपीओ लेकर आती है कंपनी पैसा जुटाने के लिए, लेकिन आईपीओ सिर्फ एक ही बार आता है और कंपनी बैंक के पास भी जा सकती है पैसे को, अगर जरूरत है यहाँ से लोन ले सकती है। लेकिन आपको पता है बैंक के पास लोन लेगी तो उसको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर इसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए एक और तरीका बचता है कि राइट इशू लेकर आते हैं और इसमें डायरेक्ट जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, उन्हीं से पैसा जुटा लेते हैं। इसमें कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए कंपनियां राइट इशू लेकर आती है। तो देखिये, बानस फाइनेंस एक शानदार शेयर से पेनी स्टॉक है और इसका अभी राइट इशू आया हुआ है, तो इसका हम लोग संपूर्ण डिटेल्स समझते हैं। यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो आप इसमें 30 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको नहीं मने नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, 13 मई से 30 मई तक ये ओपन है राइट इशू। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी टाइम पीरियड में अप्लाई करेंगे, और इसमें अप्लाई करने के लिए जो इसका प्राइस रखा गया है, इशू प्राइस है वो ₹10 पर शेयर रखा गया है। यानी कि जो राइट इशू में आप अप्लाई करेंगे, आपके पास यदि इस कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिले होंगे, आपके डीमैट अकाउंट में आ गए होंगे। उस डीमैट जितने भी शेयर्स आए हैं उसको ₹10 पर शेयर के हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में इसका प्राइस ₹13 के आसपास चल रहा है, 13-14 रुपए के आसपास। लेकिन आप देखेंगे राइट इशू में जो कंपनियां शेयर्स आपको दे रहे हैं उसका प्राइस मार्केट प्राइस से कम रखा गया है ₹10। यानी कि यदि आप मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर्स को बाय करेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि एक तो सस्ता शेयर मिल जा रहा है और दूसरा एवरेज प्राइस भी आपका कम हो जाएगा, तो ये बेनिफिट है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिले होंगे। यदि आपको अप्लाई करना है तो 30 मई तक अप्लाई कर दीजिएगा, और नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो रिनन्सिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट्स का डेट रखा गया 17 मई को रखा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले हैं, यदि आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं इस राइट इशू में, तो आप 17 मई तक इस कंपनी के शेयर्स को, जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं उसको बेच दीजिएगा। यदि नहीं बेचेंगे तो क्या होगा कि 17 मई के बाद, या फिर ऐसा होगा कि जब 30 मई को ये इशू क्लोज होगा, तो आपको जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं इस बानस फाइनेंस की तरफ से, वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाए, और दूसरा आपके डीमैट अकाउंट से जो फ्री वाले शेयर्स मिले हैं यह भी गायब हो गए, तो आपको कह सकते हैं कोई प्रकार से नुकसान ही होगा। इसलिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तब मत बेचिएगा इस शेयर्स को, नहीं अप्लाई करना चाहते तभी इसको बेचिएगा 17 मई तक, और अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 मई तक इसको अप्लाई कर दीजिएगा और उसको बेचने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। इससे रिलेटेड मतलब कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसके जवाब दे दूंगा। अब देखिए, इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका इसमें ये डीमेट अकाउंट में अलॉटमेंट हो जाएगा 11 जून को। थोड़ा समय लग जाता है इसमें, आईपीओ का भी जो शेयर अलॉट होता है उसमें भी समय लग जाता है, इसी तरीके राइट इशू में जो शेयर अलॉट होता है 30 मई तक, तो इसका डेट ही अप्लाई करने का 30 मई तक। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में 11 जून तक शेयर क्रेडिट अलॉटमेंट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 13 जून को, और लिस्टिंग हो जाएगी इसकी 14 जून को। और लिस्टिंग सिर्फ बीएससी पर होगी, क्योंकि जो बानस फाइनेंस शेयर है ये सिर्फ बीएससी पर ही लिस्टेड है, इसलिए जो राइट इशू का शेयर मिलेगा उसकी लिस्टिंग भी सिर्फ बीएससी पर होगी। 1:1 का रेशियो रखा गया है, आपको पता है। अब देखिए, जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा कि राइट इशू का शेयर्स अलग से आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। आप लिखेंगे बानस वानस राइट इशू शेयर्स, तो राइट इशू का शेयर्स आ जाएगा और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जितना भी अप्लाई करना चाहते हैं। हालांकि जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं उसको 1:1 के रेशियो में ही एक्स्ट्रा शेयर्स मिला होगा। यदि एक शेयर है तो आपको एक ही एक्स्ट्रा शेयर्स मिला होगा, 10 शेयर्स है तो 10 ही एक्स्ट्रा शेयर्स मिला होगा। लेकिन जिसके पास शेयर्स नहीं है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट इशू के शेयर्स को बाय करके 30 अप्रैल तक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल नेट बैंकिंग, जो भी बैंक आप यूज करते हैं उसके नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आसबा का ऑप्शन आता है, आसबा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, नहीं समझ में आएगा तो जिस भी बैंक का आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं उसके कस्टमर सपोर्ट पर बात करके आसबा का ऑप्शन जान सकते हैं, और उसमें राइट इशू के सारे जितने भी राइट इशू ओपन है वो आ जाते हैं, और वहां से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ के सवाल पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।